गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 6:18। मैं 5:45 को उठा था, 5 बजे भी उठा था, बट बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, तो फिर थोड़ा देर और सो गया। राखी भी उठी थी, फिर वो तो बोल रही कि इतनी ठंड लग रही है, सो जाते हैं। बट मैंने फाइनली 5:45 को उठा। कल से ट्राई करूँगा एग्जैक्टली 5 बजे उठूँ एंड धीरे धीरे उसको और भी आगे लेके जाऊँ। तो अभी रनिंग चलते हैं, उसके बाद फिर बाद में मिलते हैं हम लोगों से। A few moments later, सर मैं एक महान इंसान जो कि इतने सुबह से उठ के क्या क्या सब करके आए हैं। तो पसीना हो गया बाबा रे, तुम बड़े सीरियसली नहीं ले लिए? तुम मेरे को सुबह बोल दिया सो जाओगे। अरे इतनी ठंड में कौन जाएगा अभी? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि दीप उठ के आज इतने सुबह सुबह वो जिम जाके आया है। वो जिम तो शाम में जाता है। घास में चल सुबह सुबह एक्यूप्रेशर होना चाहिए। वैसे देखा? दिमाग में भी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैं बिठा दी दूध और यहाँ पे मैं बनाऊंगी उत्तपम, तो सब कुछ रेडी करके रख चुकी हूँ। मिक्की जब उठेगी तब उसको टिफिन बना के दे दूंगी। दीप और हायरो तो ऐसे घूम रहे हैं आज क्योंकि जल्दी जल्दी उठे हैं। उत्तपम के लिए मैं पहले ऑनियन टमेटो कोरिएंडर चॉपिंग कर लिया, फिर ये रहा मेरा डोसा बैटर। और ये डोसा बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए, फिर आप तवा में थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, फिर उसके ऊपर जितने सारे वेजिटेबल्स से डाल देंगे, मतलब ऑनियन टमेटो और कोरिएंडर, फिर हो जाएगा उत्तपम। बहुत सिंपल है और ब्रेकफास्ट में तो ऐसे ही बन जाता है। ये मैंने मिकी के लिए टिफ़िन बना ली। ये रहा 4 उत्तपम, अच्छा तो दिख रहा है और टेस्टी भी है, बस वो खा ले। 5 बजे उठ के बोलती है सो दीप सो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाएगा कुछ। सुबह 5 बजे, हम लोग 4 बजे उठने हैं, धीरे धीरे उठ पाओगे? मैं पहले 5 बजे तो उठूं। 5 बजे उठना इतना इजी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो सुबह से? एयरपॉड्स क्लीन कर रहा हूँ, कितना गंदा आ जाता है। इतने साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ बट कभी क्लीन नहीं किया, क्लीन करना पड़ता है। सुबह एक्स्ट्रा टाइम है और क्या करूँ, जल्दी उठ गया हूँ। ये सब तुम अच्छे से करती हो, कर दो ना थोड़ा। घर में थोड़ा सा चटनी बचा है तो मैं सोची थी कि डोसा बना दूंगी और उसको चटनी दे दूंगी तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके लिए, बट एक्चुअली बैटर ही नहीं है डोसा बनाने के लिए, तो अभी मुझे फिर से उपमा बनाना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे वो चटनी ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वो चटनी। सूजी को फर्स्ट भूनना है क्योंकि वो रॉ सूजी है। ऑयल गर्म हो चुका है, फिर हम लोग मस्टर्ड सीड और कोरिएंडर लीफ, फिर अभी थोड़ा सा प्याज और उसके बाद थोड़ा सा काजू। उत्तपम के लिए मैंने ज़्यादा टमेटो काट लिया था, थोड़ा टमेटो बचा है तो टमेटो भी दे दूँगी और थोड़ा सा कोरिएंडर, और उसके बाद जिंजर। आज मैं व्हाइट उपमा बनाऊंगी तो हल्दी नहीं दूंगी, अगर आपको येलो उपमा चाहिए तो थोड़ा सा हल्दी दे देना। ये मेरा पक गया है तो इसीलिए उसके बाद मैं पानी दे दूँगी। अभी जब पानी बॉईल होगा उसके बाद उपमा दूंगी, तो मेरा किचन काउंटर बहुत मेसी लग रहा है मुझे अभी, तो इसलिए मैं फटाक से किचन काउंटर भी क्लीन कर देती हूँ जब तक पानी बॉईल ना हो जाए। ये बन गया है उपमा, लास्ट बस थोड़ा सा घी, और ये रही चाय पत्ती। इसको ऐसे मैं सुखा देती हूँ, फिर जब ड्राई हो जाता है उसको रोज़ में देती हूँ। हायरो का भी इतना हेयरफॉल हो रहा है, इससे ही समझ में आ जाता है
मे भी ये वेदर के लिए, वेदर चेंज होने से उसका हेयर फॉल होता है बहुत सारा है। आज मैं एक न्यू चीज बनाई हूँ दीप। चीज़ अब ये वो आलिया भट्ट वाला सैलड, हाँ काफी अच्छा है। अच्छा है ना, मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही खाती है वो, खाली खाती है। हाँ तो इसलिए हम लोग रोटी सब्जी और साइड डिश में ये लेके खाएंगे। और ये मेरा लास्ट मील है ऑफ द डे, लास्ट मील ऑफ द डे। तुम्हारे बीच में कहाँ हो गया, उसके बाद 16 आवर्स का रात में हम लोग अगर जब खाएंगे तुमको भूख लगेगी तो हाइड्रो कंट्रोल करना पड़ेगा। खाएगा आज लौकी, उसके साथ मूंग दाल। इसको मैं बॉईल कर दूंगी और थोड़ा सा हल्दी दे दूंगी, बस हायरो का ये है डिनर। हमारे बॉडी में हिम्मत है खेलने के लिए? नहीं खेलने से पेन और ज्यादा होगा, अभी कुछ दिन तो होगा ना बहुत। मैं तो इतना भी नहीं खेली हूँ, मुझे क्यों इतना हो रहा है? तुम ये वेदर की वजह से भी हो सकता है। एक्चुअली मेरा सब हो रहा है, बैक हो रहा था आज, मेरा पैर हाथ सब पूरा फुल बॉडी। कल खेली थी ना हाँ और तो हुआ एक दिन कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। हायर, तुझे क्या हुआ है? उसको यहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ? उसको यहाँ दर्द हो रहा है। खाली देख रहा है कब खाना होगा। आज रात में तेरे लिए कुछ यम यम है। ये औरत हमेशा अपना चप्पल पहन के नहीं घूमती है, जब भी देखो मेरा चप्पल पहन के निकल जाएगी। तो क्या हुआ, इतना ये बड़ा पहन हुआ के है? तुम अभी पैदल जाओगी मतलब हाँ। ऐसे लोग ऐसे नहीं थे। ठीक है, कोई मेरा पैर नहीं देख रहा। मैं तो वॉक करके आ गई। दीप अभी अपना खेल रहा है स्क्वाश, और आज मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा है और इतना टायर्ड लग रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी डिनर बना लूँगी, उसके बाद खा के रेस्ट करूँगी। और मिकी भी आ रही है, उसके लिए भी बना चुकी हूँ सब कुछ, वो आएगी तो उसको दे दूँगी। मैं जब भी देखती हूँ तुम खाली फोन में ही रहते हो दीप। और बाय द वे, तुम जो कल काढ़ा पिए थे, तुम्हारा आज क्या ठीक लग रहा है ना? तुम तो कुछ अपडेट ही नहीं दिए, मेरा काढ़ा का क्या हुआ? अपडेट तुमको क्या दो, तुम तो सामने बैठी हो। अरे मतलब सबको बोलो कि काढ़ा पी के ठीक हो जाता है, फिर लोग सब काढ़ा पियेंगे। हमारे फैमिली मेंबर्स वो तो पीते हैं ऑलरेडी। छोड़ो, उसका फेस कितना लंबा लग रहा है। स्पेशल डिनर खाएगा आज? क्या खाएगा मेरा बच्चा आज, क्या खाएगा? कुछ एक तो जा खा ले। ये रहा हायरो का आज का डिनर। इसमें मैं लास्ट में क्या करी ना, ब्रोकली और थोड़ा सा बीन्स बॉईल करके डाल दी, और मैं हल्दी डालना भूल गई, तो इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है। हायरो ये सब खाने को बहुत पसंद करता है। क्रॉल कर क्या हायरो, हायरो क्रॉल कर क्या? ये कैसा क्रॉल है हायरो? सिट सिट वहां पे, खाना को मत देख। नहीं खाना को नहीं, खाना को नहीं। क्या है ये? क्रोकोडाइल की तरह चल चल के आया। अभी बजा है 10:45 और हमारा भी सब काम खत्म हो चुका है, खाना वाना खा लिए हैं, अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए। होपफुली मैं कल जल्दी उठ जाऊं और दीप के साथ वॉक पे जाऊं या रनिंग पे जाऊं, जो भी वो करेगा। तो फिर आज ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।